दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूला इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सेलकॉन कंपनी का 2.1 एम्पलीफायर बोर्ड का कंप्लीट वायरिंग करके आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस एम्पलीफायर बोर्ड का कंप्लीट वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है। तो वायरिंग करने से पहले थोड़ा इसके डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप दो आईसी देख सकते हैं, ये दोनों TDA7265 है। एक आईसी को सबवूफर को चलाने के लिए यहाँ पे ब्रिज मोड करके यहाँ पे ये दो पिन आप देख सकते हैं, ये आउटपुट मिलेगा यहाँ से, जिस पे आप सबवूफर चला सकते हो। लगभग 80 वाट तक आप इस पे सबवूफर चला सकते हो। और यहाँ पे देखिए, इस आईसी को स्टूडियो मोड पे रखा गया है, जिससे आप दो सैटेलाइट स्पीकर यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको कनेक्टर दिख रहे हैं, ये आउटपुट के लिए है। एक स्पीकर यहाँ पे लगेगा, एक स्पीकर यहाँ पे लगेगा। और जस्ट इसके बगल में भी देख सकते हैं, ये भी आउटपुट के लिए है। तो इसमें तीन पिन है, तो आप दोनों जगह से कहीं से भी स्पीकर आउटपुट का कनेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, लो पास फिल्टर के लिए 4557 यहाँ पे आईसी लगा हुआ है। और यहाँ पे ये 5 वोल्ट के लिए सॉकेट है, ये जो रेगुलेटर है इसका आउटपुट यहाँ पे आता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, टोन कंट्रोल के लिए यहाँ पे तीन जगह दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बेस के लिए मिल जाएगा, उसके बाद ये ट्रेबल के लिए मिल जाएगा और ये मेन वॉल्यूम के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे तीन कंट्रोल आप लगा सकते हो, जो डुअल चैनल का पोटेंशियोमीटर होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 पिन दिए गए हैं, लेकिन बैक साइड में यहाँ पे देखिए, सभी को पैरेलल में कर दिया गया है। तो यहाँ पे 3 पिन वाला भी पोटेंशियोमीटर आप इसमें यूज में ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए, रेक्टिफायर के बगल में 3 पिन बना हुआ है, तो इसमें 12012 5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर इसमें यूज कर सकते हैं। और इस आईसी को आप जो है मैक्सिमम माइनस प्लस 25 वोल्ट तक चला सकते हो। तो अगर आप 18018 भी यूज करते हो तो वो भी आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा जैक बना हुआ है यहाँ पे, ये ऑडियो इनपुट के लिए है। तो आइए, सबसे पहले मैं इसमें पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन करूँगा। तो इसमें पोटेंशियोमीटर आप दो तरीका से कर सकते हो, एक तो वायर के थ्रू, नहीं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे पोटेंशियोमीटर को लगा के सोल्डिंग भी कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट पोटेंशियोमीटर नहीं लगाऊंगा, वायर के थ्रू मैं इसमें लगाऊंगा। तो देखिए, अगर बिना वायर को अगर आप लगाते हो तो जैसे ये पोटेंशियोमीटर है, तो डायरेक्ट इसमें बोर्ड में लगाकर आपको सोल्डिंग कर देना है। और वायर के थ्रू भी अगर आप लगाते हो तो कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ पे सीधा ऐसे लगाएंगे, जिस पिन के सामने जो आएगा वैसे ही वायर को लगा देंगे। तो इसमें वायर के थ्रू भी कनेक्शन करना बहुत ही सिंपल है। तो इसमें फटाफट से मैं कनेक्शन कर लेता हूँ उस पोटेंशियोमीटर का। तो यहाँ पे ट्रेबल में और मेन वॉल्यूम में यहाँ पे 100K का ही जो है डुअल चैनल का पोटेंशियोमीटर लगेगा, और बेस वाला में आप सिंगल चैनल का भी लगा सकते हो या डुअल चैनल का भी लगा सकते हो। आपके पास जो अवेलेबल होगा वो लगा सकते हैं। तो मैं वायर के थ्रू जो है इसका मैं कनेक्शन यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे तीनों पोटेंशियोमीटर का मैंने कनेक्शन कर दिया है। ये बेस के लिए है 3 पिन वाला, और ये डुअल चैनल वाला यहाँ पे ट्रेबल के लिए है, और ये भी डुअल चैनल वाला मेन वॉल्यूम के लिए है। तो यहाँ पे इस प्रकार से मैंने वायर का कनेक्शन कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें ऑडियो इनपुट का कनेक्शन करूँगा। तो जैसा कि ऑडियो इनपुट का कनेक्शन हमेशा पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट वाले पिन में होता है, तो यहाँ पे मेन वॉल्यूम है, तो यहाँ से जो फर्स्ट पिन होता है, तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पे ऑडियो इनपुट होगा, ये वाला पिन जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैक बना हुआ है। तो यही जैक जो है लेफ्ट राइट और ग्राउंड यहाँ पे इसमें आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दूंगा, अगर आप यहाँ नहीं करते हो तो डायरेक्ट आप यहाँ पे भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे ही कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑडियो इनपुट के लिए मैंने यहाँ पे ये सॉकेट को लगा दिया है, जिससे हम ऑडियो इनपुट मैं यहाँ पे दे सकूँ। उसके बाद मैं इसमें 5 वोल्ट के लिए एक कनेक्टर लगाऊंगा, जैसे कि ये रेगुलेटर है, तो यहाँ पे ये जैक बना हुआ है, तो यहाँ से आउटपुट करेगा 5 वोल्ट। तो यहाँ पे रेगुलेटर का जो तीसरा नंबर पिन होता है वो प्लस होता है और दूसरा नंबर ग्राउंड होता है। तो मैं वहाँ से 2 वायर ले लूँगा, और ये जो कनेक्टर होता है जो ऑडियो मॉड्यूल में जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसका कनेक्शन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो आउटपुट के लिए यहाँ पे मैं लगा दूंगा, जो सेटेलाइट के लिए 2 स्पीकर के लिए यहाँ पे लग जाएगा और सबवूफर यहाँ पे लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहले सबवूफर का कनेक्शन कर लेता हूँ, और इस पर सबवूफर दोस्तों लगवाओ, आप मैक्सिमम 80 वाट तक भी चला सकते हो। यहाँ पे देखिए, मैं ये वाला सबवूफर इस पर यूज करता हूँ, और इस सबवूफर को मैं ज़्यादातर 100 वाट वाले एम्पलीफायर के साथ मैं यूज करता हूँ, लेकिन इसको मैं इसी के साथ चलाने वाला हूँ, ये भी बहुत अच्छा से ही काम करेगा इस पर। तो यहाँ पे दोस्तों, सबवूफर में आप जो है हैवी वायर यूज करें, यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ
चेक करने के लिए मैं पतला वाला वायर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबवूफर का कनेक्शन हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे दो स्पीकर यहाँ पे लगा लेता हूँ, ये जो कनेक्टर है इस पे। तो यहाँ पे ये दोनों स्पीकर है 20 वाट 4 ओम का, तो मैं इसी दोनों स्पीकर को इस पे लगा लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो दोनों बीच वाला पिन है ये ग्राउंड है और साइड वाला मेन प्लस वाला होगा, तो इसका आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्पीकर का कनेक्शन कर दिया है। उसके बाद मैं इसमें ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कर लूँगा। तो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन दोस्तों बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ पे 3 पिन है, तो इसमें 12 0 12 5 एम्पियर का मैं ट्रांसफार्मर इसमें लगा लेता हूँ। आप इसमें 18 0 18 का भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का भी कनेक्शन हो चुका है। इसमें मैं ऑडियो पैनल को लगा लेता हूँ। तो ऑडियो पैनल में जो आउटपुट होगा, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा इस कनेक्टर को, और पावर सप्लाई के लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे टोटल कनेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे टोटल कनेक्शन करके सारा सेटअप मैंने कर दिया है। तो आइए इसमें मैं पावर सप्लाई देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसमें पावर सप्लाई दे दिया है, और ये अभी हमारा FM मोड पे है। तो यहाँ पे ये वॉल्यूम रहा, ये सब ऊपर का है और ये टोन का है। USB ड्राइवर मोड। तो दोस्तों यहाँ पे ये एम्पलीफायर बहुत अच्छा से काम कर रहा है। बेस क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है और साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे टोन के कंट्रोल के लिए ज़्यादा सर्किट यूज नहीं किया है। तो जैसे आप टोन को यहाँ पे कम करेंगे, तो यहाँ पे साउंड भी हल्का जो है कम हो जाएगा। लेकिन टोन को अगर आप फुल रखते हो तो कोई इशू इसमें नहीं है, बहुत ही अच्छा से परफॉर्मेंस करता है। और मैं तो यही कहूँगा कि टोन वाले कंट्रोल को आप पूरा फुल करके एनी टाइम रखेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी के लिए तो ये है ही और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए हमारा वर्क करता ही है। बाकी बहुत अच्छा से हमारा एम्पलीफायर काम कर रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस एम्पलीफायर बोर्ड का कंप्लीट वायरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।